हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 20,000। गाइस, अगर आपका वेट इस टाइम पर 20,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन बाय करना है या फिर फ्यूचर प्लान कर रहे हो, देन ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर देगा। बिकॉज इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च और टाइम दिया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए जो 20,000 सेगमेंट में जबरदस्त स्पेक्स ऑफर करते हैं। लाइक यहाँ पर आपको 100 megapixel OIS कैमरा मिलता है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके अलावा 6000mAh बिग बैटरी विद फास्ट चार्जिंग, 144W कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड डायमेंसिटी 7050 पावरफुल सीपीयू। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। अगर आपको ब्रांड चाहिए, वन यूआई को एक्सपीरियंस करना है जो एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट यूआई मानी जाती है, देन इसको चेकआउट कर सकते हो। और प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट कैमरास ऑफर करता है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.5 इंच का FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 1000 nits ब्राइटनेस और इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए टॉप क्लास मिलता है, 120Hz भी दिया गया, जिससे आपको स्मूथनेस भी कमाल की मिलेगी। बट हाँ, ड्रॉप नॉच मिलता है जो आज के टाइम में थोड़ा सा अजीब लगता है एंड डिसअपॉइंट कर सकता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 megapixel का दिया गया है विद OIS जो सैमसंग के खुद के GN5 सेंसर के साथ आता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 megapixel की सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS विद 4K दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे आपको वीडियो आउटपुट जबरदस्त मिलेगा। डेलाइट कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म करता है, बट हाँ, नाइट के अंदर ये स्ट्रगल करता है। तो इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1280 जो एक 5nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, 5 लाख के अराउंड अंतत स्कोर आता है जो आपको मीडियम सेटिंग्स पर जबरदस्त गेमिंग करा देगा। सेम CPU इससे प्रीवियस जनरेशन गैलेक्सी M33 के अंदर भी मिला था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि 1UI 5.1 पर बेस्ड है और ये फुल फ्लैश वर्जन मिलता है। इसमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। यहाँ पर 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। ये फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है, आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको 4 साल तक OS अपडेट्स एंड 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा। बाकी इसमें नॉक्स सिक्योरिटी, सिंगल स्पीकर और 3.5mm जैक मिलेगा। तो ये 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ चुकी है, सेल के टाइम पर ये आपको अंडर 15K मिलता है, बट अभी आपको ये 19,000 रुपए में मिलेगा। बाकी अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो ये फोन आपको 18,000 से 19,000 रुपए में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो H40 Neo 5G। ये सेगमेंट का दी बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, कुछ ऐसे स्पेक्स ऑफर करता है जो सेगमेंट में कोई दूसरा ब्रांड ऑफर नहीं करता, लाइक IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन। इसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड का यूजर एक्सपीरियंस देखो, इसकी प्राइस 20,000 से थोड़ी सी ऊपर है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 21,000 में मिलेगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अदरवाइज मोटो का G84 भी आता है जो 18,000 से 19,000 में मिलेगा, वहां पर भी आपको बेस्ट कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले और स्टॉक एंड्रॉइड का यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, बट मेरा सजेशन H40 Neo ही होगा बिकॉज 1,000 रुपए बढ़ाकर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। S40 Neo के स्पेक्स की बात करूं तो ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.55 इंच का FHD+ कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 144Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है, इसमें 1300Hz ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए वन ऑफ दी बेस्ट मिलता है, काफी ज्यादा प्रीमियम भी दिखता है, 144Hz दिया गया, जिससे आपको स्मूथनेस भी कमाल की मिलेगी। इसका बैक पैनल वेगन लेदर डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 megapixel का दिया गया है विद OIS, साथ में 13 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, फ्रंट साइड में 32 megapixel की सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो OIS के साथ, काफी स्टेबल आउटपुट मिलेगा। कैमरा इसका प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा खासा परफॉर्म करता है, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7030 जो कि एक लेटेस्ट CPU 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, 5 लाख के अराउंड अंतत स्कोर आता है, आप यहां से मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MyUX मतलब स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP68 रेटिंग और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। तो ये 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और फिलहाल इस फोन की प्राइस है 22,999, बट डोंट वरी, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को 21,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme 11 Pro 5G। एक्चुअली दोस्तों ये 24,000 में लॉन्च हुआ था, बट इस टाइम पर आप इस फोन को 20,000 के अराउंड बाय कर सकते हो और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। सिम स्पेक्स के साथ Realme का Narzo 60 Pro भी आता है, जो इससे आपको 1,000 से 1,500 तक सस्ता मिलेगा। ये 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.7 इंच का FHD+ कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर कंसोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें 950Hz ब्राइटनेस, 360Hz का TSR, HDR10+ सपोर्ट, सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये 10-bit पैनल है, 1 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करता है। डिस्प्ले अगेन टॉप क्लास मिलेगा। इसका बैक पैनल अगेन व्हीकल लेदर डिजाइन के साथ आता है। बैक में ही आपको सर्कल टाइप राउंडेड कैमरा मॉडल दिया गया है, जिसमें डुअल कैमरास की प्लेसमेंट की गई है। प्राइमरी लेंस 100 मेगापिक्सल का मिलता है विद OIS, साथ में 2 का पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका कैमरा प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया परफॉर्म करता है। डिलाइट कंडीशन में बेस्ट फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो। OIS के साथ काफी स्टेबल आउटपुट मिलेगा, 4K रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी नाइट के अंदर ये स्ट्रगल करता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7050, जो 1/6 nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, लेटेस्ट है, 5,50,000 के अराउंड अंततः स्कोर आता है, जो आपको मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग करा देगा। डे टू डे यूजेज में बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 3.1 मिलेगा। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इसकी एक्चुअल प्राइस है 21,999, बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये फोन आपको 20,000 रुपये में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 Pro 5G। ये अंडर 20 के इकलौता फोन है जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर ऑफर करता है। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे खासे स्पेक्स ऑफर करता है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.67 इंच का FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर कंसोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 900Hz ब्राइटनेस, 240Hz का TSR और ये HDR10+ सपोर्ट करता है। बैक साइड में ग्लास मिलेगा विद ग्लॉसीनेस, जो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX766 के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा और 2 का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका सेगमेंट में बेहतरीन परफॉर्म करता है। डिलाइट कंडीशन में बेस्ट फोटोज क्लिक कर सकते हो। OIS के साथ काफी स्टेबल 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। मतलब डेलाइट कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म करता है, बट नाइट के अंदर स्ट्रगल करता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 1080, जो 1/6 nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, Dimensity 920 के सिमिलर परफॉर्म करता है। 4,00,000+ अंततः स्कोर आता है। आप यहां से अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। यहां पर 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें i53 की रेटिंग, IR ब्लास्टर, 3.5mm जैक और 12 स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। फिलहाल इसकी एक्चुअल प्राइस है 21,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 3,000 ऑफ हो जाएगा। आप इस फोन को 19,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T2 Pro 5G या iQOO G7 Pro 5G। दोनों स्मार्टफोन्स एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ब्रांडिंग और प्राइसिंग में डिफरेंस मिलता है। इस फोन को मैं उन यूजर्स के लिए रिकमेंड करूंगा जो अपने बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इसकी प्राइस है 22,000, आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, बट उसके बदले आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रीमियम स्मार्टफोन मिलता है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.78 इंच का FHD+ 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर कंसोल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। इसमें 1200Hz टच सैंपलिंग रेट, 13Hz ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। डिस्प्ले प्राइस के अकॉर्डिंग वन ऑफ दी बेस्ट मिलता है। 3D कर्व्ड एमोलेड पैनल, जो आपको प्रीमियम फील कराएगा और कंटेंट वॉचिंग के लिए दी बेस्ट है। बैक साइड में AG ग्लास मिलता है विद ग्लॉसीनेस और इसमें वीवो का यूनिक फीचर मिलता है ऑरा लाइट। बैक में ही आपको 12 कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, साथ में 2 का बोके लेंस मिलेगा, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30fps एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नो डाउट कैमरा क्वालिटी दी बेस्ट मिलती है। वैसे भी वीवो का फोन है, वीवो हमेशा कैमरा और डिजाइन पर फोकस करता है। डिलाइट कंडीशन में इस फोन का कैमरा जबरदस्त परफॉर्म करता है, नो डाउट। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7200, जो एक 4nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है और इसका अंततः स्कोर 7,00,000+ आता है, जो प्राइस के अकॉर्डिंग एक बड़ा नंबर है। आप यहां से मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। 60fps ऑप्शन मिलता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13
आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फनटच ओएस 13 पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। यहाँ पर 4600 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें i52 की रेटिंग और सिंगल स्पीकर मिलता है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 23,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इस फोन को 22,000 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप कैमरा फोन्स अंडर 20 के। होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।